नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यह दिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से आपका आधार कार्ड फेस ऑथेंटिकेशन से यूज़ कर सकते हो, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन से डाउनलोड कर सकते हो बिना कोई OTP या मोबाइल नंबर के। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था स्मार्टफोन पर आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो आधार कार्ड फेस ऑथेंटिकेशन पर मैं अभी आज लैपटॉप या कंप्यूटर से किस तरह से कर सकते हैं आप डाउनलोड फेस दिखा के, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन से। तो यह वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको आपका आधार डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं या फिर OTP की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड नहीं किया है अपने आधार कार्ड जब भी बनाया था तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पर यह आधार कार्ड आप अकाउंट मतलब आधार होल्डर ही डाउनलोड कर पाएगा और कोई भी व्यक्ति डाउनलोड नहीं कर पाएगा। आधार होल्डर जो है वही डाउनलोड कर पाएगा क्योंकि उनको फेस दिखाना पड़ता है डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे eaadhaar.uidi.gov/faadhaar इस URL पे जाइए। URL पे पहुँचते ही आपको इसको तरह कुछ इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस यहाँ पे खुल जाएगा डाउनलोड आधार करके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आपका आधार नंबर डालना है या फिर एनरोलमेंट मेंबर भी डाल सकते हो सिलेक्ट करके, या फिर वर्चुअल आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हिसाब से इनमें तीनों ऑप्शनों से आप कोई भी डिटेल्स भर के आप आपका आधार डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ भी डिटेल्स डाले बिना फेस दिखा के आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं करके, कुछ लोग यह बातें बना रहे हैं कि सिर्फ फेस दिखा के डाउनलोड कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, आपको आधार नंबर भरना पड़ेगा और जो भी आधार होल्डर है उसको सामने आना पड़ेगा वहाँ पे फेस कैप्चर करने के लिए। बाद में डिटेक्ट होने के बाद ही, मतलब सर्वर पे मतलब क्रॉस चेक होने के बाद ही, वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका आधार डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा उधर फाइनल स्टेज स्क्रीन में। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैं डालता हूँ आधार नंबर डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आई हैव मास्क आधार करके। अगर आपको मास्क्ड आधार डाउनलोड करना है, मतलब कुछ आधार नंबर आपका हाइड हो जाएगा तो उस तरह का आधार डाउनलोड करना है तो ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको उस तरह का डाउनलोड नहीं चाहिए, नॉर्मल आधार चाहिए तो ये टिक मार्क मत कीजिए। ये डालने के बाद आपको ये नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन आ जाएगा, वो आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व कीजिए, जो भी इमेज में दिखा रहा है वहाँ पे एंटर कीजिए और फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बटन है उस पर टैप कीजिए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक अभी इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, देख लीजिए। प्लीज एंश्योर योर फेस इज करेक्ट लाइटिंग, मतलब आपको करेक्ट लाइटिंग कंडीशन के अंदर फेस आपको कैप्चर करना है और स्टिल आपको खड़े मतलब हिलना नहीं है। जब भी फेस कैप्चर करेंगे तभी एक ही जगह पे आपको ठीक से बैठना है, हिलना नहीं है ज़्यादा। और आपको अलाउ करना है ब्राउज़र को आपका कैमरा यूज़ करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। अभी चलिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं आगे बढ़ने के लिए। लोड हो रहा है नेक्स्ट स्क्रीन। तो यहाँ पे एक पेज लोड हो चुका है जो कि बोल रहा है योर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ आधार विल बी डाउनलोडेड करके। तो यहाँ पे कुछ सबको अभी कैमरा अलाउ करने के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ये aadhaar.uidi.gov.in वांट्स टू यूज़ योर कैमरा, मतलब परमिशन मांग रहा है फ्रंट कैमरा यूज़ करने के लिए, मतलब वेब कैमरा यूज़ करने के लिए, वेब कैम यूज़ करने के लिए। तो आपको इसमें अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करने के बाद ही आपका कैमरा कैप्चर कर पाएगा। तो अलाउ बटन पे टैप करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी इमेज लोड होगा, देख लीजिए। अभी आपका यहाँ पे फ़ोटो लोड होगा। तो आप यहाँ पे आपको ठीक तरह से बैठना है, देख लीजिए ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन आ रहा है प्लीज़ ब्रिंग योर फेस नियर टू कैमरा, मतलब नियर टू कैमरा आने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं, कैप्चर करते हैं ठीक से। तो
यहाँ पे अभी कैप्चर हुआ है मेरा फेस, तो देख लीजिए फेस ऑथेंटिकेशन डिटेक्टेड सक्सेसफुली करके अभी वहाँ पे मैसेज आ गया था, मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब फेस अभी मैच कर रहा है अपने आधार कार्ड से, सर्वर पे डेटा प्रेजेंट है उस पर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्विक सर्वे अभी मुझे कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है डाउनलोड करने के लिए, तो एक कुछ क्विक सर्वे डाउनलोड कंप्लीट करते हैं और वेरीफाई एंड डाउनलोड बटन पे टैप कर क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए आधार। तो ये देख लीजिए आधार कार्ड अभी सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है हमारा। तो इस तरह से आप बायोमेट्रिक्स से आपका आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो बिना कोई OTP या मोबाइल नंबर से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।